हम साथ साथ हैं वाली पिक्चर हो गई आज तो। मतलब अरविंद केजरीवाल जी से लेके ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से लेके उद्धव ठाकरे, तो जो कोई ना कर पाया, जो मैं हर बार पूछता था कि आपका नेता कौन होगा, आप सब साथ कैसे आएंगे, तो वो तो आपके हिसाब से बीजेपी ने ही कर दिया, आप सब आ गए कांग्रेस के साथ। अरुणाचल में जब इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई तो क्या आम आदमी पार्टी नहीं बोली थी? उत्तराखंड में जब इन लोगों ने यही खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू किया तो आम आदमी पार्टी नहीं बोली थी? महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, जब जब सरकारों को गिराने का प्रयास हुआ आम आदमी पार्टी बोली। आप बताइए क्या लोगों को, लोग इस देश के इतने भोले हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मकसद है विपक्ष के नेताओं को खत्म करो, उनकी सदस्यता को खत्म करो, उनकी चुनाव लड़ने की योग्यता को खत्म करो, उनकी राजनीतिक पार्टियों को बर्बाद करो, उनपे ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, जांच एजेंसियां छोड़ो। दरअसल वायु राहुल गांधी को ट्रोल के चलते रिपब्लिक भारत द्वारा एक डिबेट बुलाते हैं जिसमें संजय सिंह और बीजेपी प्रवक्ता के बीच एक घमासान लड़ाई हो जाती है। वैसे तो डिबेट जिस कारण से बुलाया गया था उसका दौर कुछ उल्टा ही पड़ गया। उस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी की असलियत सबके सामने लाते हुए वो सब कुछ बोलने लगे जिससे सुन के भाजपा प्रवक्ता से लेके गोदी जर्नलिस्ट की बोलती ही बंद हो गया। जवाब कुछ इस प्रकार से दिया गया जिससे अंधभक्तों को सच का आईना दिखाया जा सके। हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद और सांसद इतने सौम्य सभ्य और सुशील हैं कि उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। इतने सौम्य और सुशील है हमारे प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने कहा कांग्रेस की जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। इतने सौम्यता से बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि यही दिल्ली में रामलीला के मैदान में अरविंद केजरीवाल को कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में डाल देना चाहिए। भाजपा इतनी बढ़िया भाषा बोलती है कि इनकी एक मंत्री ने यही दिल्ली के अंदर कहा राम जादू की सरकार बनेगी। गालियां देते हैं ये लोग। प्रकाश जावड़कर जी ने कहा अरविंद केजरीवाल नक्सलवादी हैं। अगर आप बयानों के आधार पर सजा की बात करेंगे, कपिल मिश्रा डीसीपी के बगल खड़ा होकर दंगे को भड़काने का बयान देता है। मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने कहा भरे सदन में, और पूरी भाजपा ने ऐसे ठहाके लगाए जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के चीर हरण पर ठहाके लगाए जा रहे थे। रेणुका चौधरी की तुलना एक राक्षसी सुपनखा से की। ये लोग बात करते हैं भाषा की। और ऐश्वर्य जी के तो एक कैबिनेट मंत्री जी ने कहा मोदी को नहीं मानते तो पाकिस्तान चले जाओ। ये तो अच्छा है कि आप टीवी चैनल बैठ के कर रहे प्रोग्राम, वरना पाकिस्तान भेज देते हम लोगों को ये। लेकिन जो भी भ्रष्टाचार भाजपा में आ जाए उसको आप मुख्यमंत्री बना दो। वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं हेमंत विश्व शर्मा पे बीजेपी वाले, हम नहीं। बुकलेट जारी करते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। मुकुल राय पे शारदा स्कैम की सीबीआई की जांच चलती है उसको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम की सीबीआई जांच चलती है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना देते हैं। व्यापम घोटाले की जांच शिवराज पे चलती है उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। येदुरप्पा पे माइनिंग घोटाले की जांच चलती है उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भाजपा का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी।